हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, एस्टेट का एग्जाम नजदीक आ रहा है। हालांकि उससे पहले केवीएस भी है और फिर आपका एस्टेट है, जनवरी 2019 के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। आमतौर पर आप लोगों के लिए आज से अगर देखें तो लगभग 24 से 25 दिन बचे हुए हैं। बट इन दिनों में आप लोग तैयारी करेंगे, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे या अपने आप को एग्जाम के फोबिया से बाहर करेंगे। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आमतौर पर सीटेट का एग्जाम जो हाल ही में हुआ है, बच्चे उससे भी घबराते थे। बट सीटेट से मुश्किल ये कहा जाता है कि एचटेट का एग्जाम है, जो हरियाणा का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम टीचिंग लाइन से अगर जोड़ के इसको देखें, उस प्लेटफॉर्म से खड़ा होकर देखें जहाँ टीचर खड़े होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये एग्जाम ज्यादा मुश्किल नहीं है। बट अपने आप को अगर स्टूडेंट की लिस्ट में रखकर देखते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम मुश्किल है। तभी तो एग्जाम का रिजल्ट इतने कम परसेंट में आता है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम एस्टेट का मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमारा डर है। और यही एक वजह है जो हम लोगों को कई बार 1 नंबर से, 2 नंबर से, 4 5 नंबर से रहने के लिए मजबूर कर देती है। एग्जाम का रिजल्ट आमतौर पर नेगेटिव बन जाता है। तो आइए आज हम एस्टेट के बारे में देखेंगे। चाहे तो आपका पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, तीनों लेवल के एस्टेट के बारे में देखेंगे कि कौन सी स्ट्रेटजी को अपना करके आप इससे बाहर निकल सकते हैं और इसको आप लोग क्रैक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली हरियाणा सरकार के द्वारा जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज हों या फिर हरियाणा के बड़े बड़े स्कूलों के अंदर जो आमतौर पर प्राइवेट सेक्टर में भी लोग काम करना पसंद करते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि स्टेट लेवल पर इन एग्जाम की बड़ी वैल्यू है, चाहे वो सेक्टर सरकारी हो, चाहे वो सरकारी के साथ प्राइवेट सेक्टर हो। तो आइए करते हैं शुरुआत थोड़ा सा इसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, एस्टेट का जो एग्जाम है उसको 2 पोर्शन में बांटा जाता है। हालांकि एग्जाम एक ही है, ध्यान रखना। सिर्फ हम लोग अपनी सुविधा के लिए इसके 2 पोर्शन बना के चलते हैं। एक तो सीधी सी बात है, 150 मार्क्स रहेंगे, 150 क्वेश्चंस रहेंगे और 150 आपके लिए मिनट रहेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, जिस तरीके का केवीएस वगैरह में है। अब यहाँ एक चीज आपको और समझनी है कि हमने हर पेपर के 2 पोर्शन बना के रखे हैं, चाहे वो पीआरटी हो, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो पीजीटी हो। 2 पोर्शन इसलिए बनाए हैं, एक पोर्शन है आपका कॉमन, एक पोर्शन आपका कॉमन है। जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए कॉमन है और इससे 90 मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं। दूसरा पोर्शन आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न्ड। ये जो सब्जेक्ट कंसर्न का पोर्शन है, ये पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए 60 मार्क्स का होता है। अब यहाँ कॉमन पेपर को अगर हम पोर्शन ए मान लें और सब्जेक्ट कंसर्न को हम पोर्शन बी मान लें, तो आप लोगों के लिए पीआरटी पे, टीजीटी पे, पीजीटी पे थोड़ा सा सब्जेक्ट कंसर्न को आपको अपने हिसाब से देखना होता है, लेकिन कॉमन पेपर आप सबका एक ही होता है, यानी एक ही प्रकार के उसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि जी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पीआरटी भी देना होता है, टीजीटी भी देना होता है, पीजीटी भी देना होता है, या फिर किसी को टीजीटी और पीआरटी दोनों देना है, या किसी को टीजीटी और पीजीटी दोनों देना है। ऐसी स्थिति में आपके लिए आसान है कि जो कॉमन पेपर है, जो आपका 90 नंबर का होता है, और ध्यान रहे आपको पास होने के लिए भी 90 ही नंबर चाहिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कॉमन कर लेना 90 मिल जाएंगे, ये इम्पोसिबल है। हालांकि इम्पोसिबल लिस्ट में होता नहीं है वर्ड, बट फिर भी ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। वो गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं, हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम आपके जैसे, हमारे जैसे सामान्य बच्चों की बात करेंगे, जो मध्य वर्गीय परिवारों में पैदा हुए, सरकारी और अर्ध सरकारी स्कूलों में गरीबी की हालत में पढ़े और आज इस बेरोजगारी के संघर्ष में अलग अलग लाइनों में एस टेट, सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, बिहार टेट, रीट जैसे अलग अलग एग्जाम को पास करने की जद्दोजहद में लगे हैं। तो अब यहां अगर हम देखते हैं, तो पहले इसको पोर्शन को देखते हैं कि कॉमन का और सब्जेक्ट का क्या पोर्शन रहेगा। सबसे पहले कॉमन पोर्शन में हम देखते हैं, तो सबसे पहले पोर्शन आता है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का। दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी
30 नंबर की रहेगी, चाहे आपका पीआरटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो। कॉमन पोर्शन में सबसे पहले सीडीपी आएगा, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी कहते हैं, 30 नंबर की। दूसरे नंबर पर हिंदी और इंग्लिश, 15 नंबर की आपकी हिंदी और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश, यहां भी आपके लिए 30 नंबर सुरक्षित हैं। तीसरे नंबर पर आपका जनरल पेपर का पोर्शन आ जाता है, जिसको जीएस का पोर्शन कहते हैं। इसमें मैथ रहेगा आपका 10 नंबर का, रीजनिंग रहेगी आपकी 10 नंबर की, और हरियाणा जीके रहेगी आपकी 10 नंबर की। इसमें कुछ क्वेश्चन करंट के डाल सकता है पेपर सेटर, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो यहां भी आपके लिए 30 नंबर हैं। तो ये जो तीन कॉमन पेपर में जो तीन सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन दो और सेक्शन तीन, इसमें से तीनों में 30-30 नंबर हैं, और 30-30 नंबर मिलाकर के आपके यहाँ 90 नंबर हो जाते हैं। अब दोस्तों, अगर आपको सब्जेक्ट से डर लगता है, तो आपको कॉमन पेपर को मजबूत करना पड़ेगा, और ये तो जाने अनजाने उनको तो करना ही पड़ेगा जिनको दो लेवल या तीनों लेवल देने हैं। क्योंकि इससे या तो अगर आपका कॉमन पेपर मजबूत हुआ, तो जितने भी आपको ये देने हैं पीआरटी टीजीटी पीजीटी, अगर कॉमन पेपर मजबूत हुआ तो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर कॉमन पेपर आपका कमजोर रहा, कॉमन पेपर मजबूत हुआ तो सारे निकल जाएंगे, और कॉमन पेपर अगर आपका कमजोर रहा तो सारे भी डूब सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि सबका सब्जेक्ट कंसर्न आपका मजबूत हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमन पेपर मजबूत हुआ तो सबके लिए मजबूत होगा, ये आपके लिए श्योरिटी है। तो यहाँ एक चीज तो आपको ये देखना है, इस कॉमन पेपर के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। और कॉमन पेपर में भी जैसे हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश में जब 15-15 नंबर आएंगे, ज्यादातर बच्चे करते हैं कि हिंदी में लगभग 10-12-13 तक पहुंचा देते हैं, इंग्लिश में वही 8-10-12 का रेशियो होता है। ग्रामीण बच्चों के थोड़े से 1-2 नंबर कम आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को उतनी तैयारी करवाई नहीं जाती है। शहर के बच्चों का 1-2 ज्यादा नंबर आ जाता है, हम उस जद्दोजहद में नहीं बढ़ेंगे कि किसको कितना मिलेगा। लेकिन ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है ना, इस पे अगर आपने फोकस किया तो आपका बेड़ा पार है। क्यों बेड़ा पार है? क्योंकि 30 नंबर की चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी है, और बाकी हर सब्जेक्ट की अपनी पैडागोजी है जो सभी टेट में होती है। इसलिए आपको यहाँ फोकस करना है। एक तो यहाँ आपने उम्मीद जतानी है कि 30 में से लगभग 22-23-24-25 तक आप अगर निपटा देते हैं। आमतौर पर लड़कियों के चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में ज्यादा नंबर आते हैं, साइकोलॉजी में ज्यादा नंबर आते हैं, तो यहाँ अगर आप 24-25 तक पहुंचा देते हो तो आपके लिए रास्ता बिल्कुल आसान है। यहाँ भी आप 10-10-12-12 नंबर आराम से निकाल सकते हो। जिन बच्चों का मैथ आसान है उनके लिए फायदा हो जाएगा, जिनके लिए थोड़ा सा जिनको मैथ टफ लगता है उनके लिए कोई खास फर्क यहाँ तक तो खास नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस पे जितने भी नंबर आपके 4-5-6 जितने निकाल पा रहे हो निकाल लीजिए, बाकी यहाँ पे अपने कमी को पूरा कर सकते हैं। रीजनिंग बेसिकली आप लोगों की सबकी निकल जाती है, 6-7-8-9 तक बच्चे ले जाते हैं। हरियाणा जी के, हरियाणा के रहने वाले सभी साथी हैं, आसपास के स्टेटों के वो भी हर स्टेट को एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो 10 नंबर में से आप उम्मीद रखना कि 6-7-8 तक आप पहुंचा दो। एक दो क्वेश्चन 10 में से ऐसा आता है जो बहुत ज्यादा टफ होता है, बाकी बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको सुन के आपको हंसी आएगी, 2-3 क्वेश्चन यानी इतने आसान होंगे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जिनको छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 150 नंबर में से आपको 90 से 100 के बीच का टारगेट अगर आप रख रहे हैं, बिल्कुल लटक लटक के पास होने वाली स्थिति में, तो भी आपको 90 चाहिए हैं, आप 95 पे 100 पे 105 पे 110 पे दाव लगा सकते हैं। तो ये तो है आपका कॉमन पेपर का पोर्शन। फिर हम बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न की। सब्जेक्ट कंसर्न की तरफ अगर आप आते हैं तो आपके लिए पीआरटी में ईवीएस और मैथ दोनों 30-30 नंबर का रहेगा। ध्यान रहे, सब्जेक्ट कंसर्न 60 नंबर का होता है, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीआरटी हो। पीआरटी में 60 नंबर में से 30 का ईवीएस और 30 का मैथ। टीजीटी के 60 नंबर में से अगर आपका एसएसटी है तो 60 नंबर का आपका एसएसटी, अगर आपका मैथ साइंस है तो 60 नंबर में आपके मैथ साइंस के पोर्शन आ जाएंगे। अगर आपका ही जो भी आपका सब्जेक्ट है टीजीटी में, आप उसको अच्छी तरह समझ सकते हैं। वही बात पीजीटी की है, जिस सब्जेक्ट में आपका पोस्ट ग्रेजुएट है, चाहे आप हिस्ट्री के हों या ज्योग्राफी के हों, पॉलिटी के हों या इकोनॉमी के हों,
हिंदी के हों या इंग्लिश के हों, सोशियोलॉजी के हों या साइकोलॉजी के हों, जो भी आपका पीजी सब्जेक्ट है उसी में से आपके 60 नंबर आएंगे। यहाँ प्रेशर रहेगा 9th का, 10th का, 11th का, 12th का और ग्रेजुएशन के कुछ पोर्शन का। तो वही टीजीटी में 6th से 8th तक का आपको प्रेशर रहेगा और वही पीआरटी में फर्स्ट क्लास से लेकर के 5th तक को आपको जोर देना होता है। अब यहाँ मेन मुद्दा क्या है, दोनों तरीकों को आपने देख लिया, टीजीटी में भी देख लिया, पीजीटी में भी देख लिया, पीआरटी में भी देख लिया, ये पोर्शन हमारा सब्जेक्ट का है। और जो पिछले भाग में हमने देखा वो हमारा है कॉमन पेपर। अब दोनों ही जगह अगर आप देखेंगे 90 नंबर का कॉमन और 60 नंबर का सब्जेक्ट, तब जाकर के आपके 150 क्वेश्चन हुए, इतने ही नंबर हुए। लेकिन हमें डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि हम कॉम्बिनेशन बैठा नहीं पाते हैं। हम पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं, स्टडी तो करते हैं, चीजों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन एग्जाम की स्ट्रेटजी को समझ नहीं पाते हैं, पेपर सेटर की चाल को समझ नहीं पाते हैं। और इसके लिए जरूरी है दोस्तों, कोई घर आके समझाने वाला नहीं होता है, कोई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, किसी से मैं सीखा हूँ, किसी को कोई बता रहा है, आपके साथियों को आप शेयर करते हैं चीजें। तो इसलिए आपको सिर्फ एक चीज देखना है, जो 150 नंबर है ना, उसको जितने टुकड़ों में बांटा गया है, हर टुकड़े से मैक्सिमम नंबर निकालने की कोशिश कीजिए, हर टुकड़े से मैक्सिमम। अगर इसको 30-30 के भागों में, 5 भागों में बांटा हुआ है, तो भी आपके लिए क्या है, मुश्किल क्या है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो पहले भाग में 30 क्वेश्चन है, अगर 30 में से 20 ले रहे हैं, यहां भी मान लो आपने 10 गलत कर दिए, यहां भी आपसे 10 गलत हो गए, यहां भी आपसे 10 गलत हो गए, यहां भी 10 गलत हो गए और यहां भी 10 गलत हो गए, तो फिर भी आप एग्जाम के पास के दायरे में हैं, फिर भी आपने 10-10 गलत करना बहुत बड़ी बात होती है। अगर 10 से भी ज्यादा गलत कर रहे हैं तो मैं तो ये मानता हूं फिर टीचर बनने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि 30 में से अगर 20 क्वेश्चन ठीक नहीं कर पाते हैं तो फिर उस चीज का कोई फायदा नहीं है। और अगर 30 में से 20 ठीक हो रहे हैं और 10-10 गलत हम कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा गलतियां और क्या करेंगे? और इतनी गलतियां करके भी हम 90 नंबर हमें लेना था और हम लेके बैठे हैं 100, तो डर किस चीज का है, भय किस चीज का है, फोबिया किस चीज का है, क्यों घबराना है, क्यों इस बात को आपको लेकर के टेंशन लेनी है? तो कहने का मतलब ये है कि इसके लिए जरूरी ये है कि हर पोर्शन को मजबूत कीजिए और हर पोर्शन को इतना मजबूत कीजिए कि हर पोर्शन में से लगभग आपको अगर 30 नंबर का पोर्शन है तो 20, 22, 23 आप पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर एक पोर्शन में आपने 23 पहुंचाया तो हो सकता है कि दूसरा पोर्शन आपका 17, 18 भी रह जाए, तीसरे पोर्शन में 25 लिए तो हो सकता है कि एक आपका 15, 16 भी रह जाए, फिर भी ले देकर के आपका जो एवरेज है वही 20 का पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा 100 पार हो, चाहे पीआरटी वाला है, चाहे टीजीटी वाला है, चाहे पीजीटी वाला है। अब बात यह है कि डरने की टेंशन नहीं है, बिल्कुल भी डरना है ही नहीं, क्योंकि न नेगेटिव मार्किंग है, न आपको कोई रोकने वाला है, न आपको कोई बहकाने वाला है और न ही आपको कोई उलझाने वाला है। सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बनानी है, कहीं भी मार्केट में, बाजार में, कोचिंग में कहीं भी धक्के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है ही नहीं कि कहीं पर जाकर के आप अपने एग्जाम के लिए सिलेबस पूरा कर लेंगे। सिलेबस पूरा कर सकते हैं तो घर बैठ के कर सकते हैं, अपने आप को सिटिंग देकर कर सकते हैं, जितना टाइम आप अपना लगा सकते हो अपने घर पर बैठिए, लाइब्रेरी में बैठिए, जहां भी एकांत आपको मिले बैठिए और 5, 7, 8, 10 घंटे जितने आप दे सकते हैं उतना ही आप निखर के आएंगे। वरना कहीं भी जाएंगे 2 घंटे जाने का, 2 घंटे आने का, 3-4 घंटे में वही फॉर्मेलिटी सुनते रहना और फिर बाद में जाकर के लगेगा अरे यार सब कुछ रह गया। तो जब आपके पास 2 से 3 महीने होते हैं तब आपको इस टाइप की चीजों में फंसने की जरूरत होती है। जब आपके पास दिन ही 20-25 हैं तो कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अपने कमरे में बंद हो जाइए, लाइब्रेरियों में घुस जाइए, जहां भी आपको एकांत मिले सिलेबस को पूरा कीजिए और हर पोर्शन को मजबूत कीजिए, हर पोर्शन को। और अगर हर पोर्शन हुआ तो मैं लिख के देता हूं कि कोई रोक नहीं सकता आपके एचटेट को पास होने से। अब मुद्दा यह है कि इन पोर्शनों को कैसे करें। दोस्तों पुरानी किताबें, नई किताबें मार्केट में, नोट्स में हर जगह भरमार है। मैं ये नहीं कहता कि कहां से लेना है, जहां आपका मन करे वहीं से लेना है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, कुछ साथी कहेंगे कि सर आप तो अपनी बता रहे हैं, दोस्तों अगर गाइड करने का
समझाने का, साथ देने का, सहयोग करने का, पढ़ाने का अगर जिम्मा हमारा है तो ठीक क्या है और गलत क्या है ये बताने का भी जिम्मा हमारा है। तो दोस्तों जिन भी साथियों को जिस प्रकार का स्टडी मटेरियल चाहिए, हालांकि बाई कॉरियर तो एक एक दो दो दिन सबके पास पहुंचने में लग जाता है, जिनको भी चाहिए वो बाई कॉरियर हमसे ले सकते हैं। इस नंबर पे आप मोबाइल कॉल करके या व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जिन साथियों को सिर्फ पीडीएफ में चाहिए, जिनको चाहिए कि सर मैं तो प्रिंट ले लूंगा पीडीएफ डाउनलोड करके, उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के लिंक दिए गए हैं। एक मिनिमम सा फॉर्मेट चार्ज होता है, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा ग्रुपों में लोग इधर से उधर भेज रहे हैं, लेकिन जिन चीजों के ऊपर हमारा कुछ लगता नहीं उनकी हम वैल्यू समझते नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आज हमारे लग जाता है तो हमें उसमें अपनापन लगता है और हम सोचते हैं कि आप तो इसको पढ़ के रहेंगे। ये इस वजह से सारी चीजें डिजाइन की गई हैं। इसी नंबर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइप, जैसे सीडीएफ की पैडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी की, पैडागोजी के पूरे डिटेल है, सब्जेक्ट के हिसाब पर पूरी की पूरी मैथ, मैथ पूरे का पूरा हैंड रिटन, पवन यादव सर के द्वारा लिखा हुआ कंप्लीट मैथ है हैंड रिटन, जो आपके लिए एसटेट, सीटेट, केवीएस और सब सब्जेक्ट के लिए इंपोर्टेंट आधार पर सारे टॉपिक डिजाइन किए गए हैं। उसी तरीके से पीआरटी में ईवीएस की बात करें तो ईवीएस की भी कंप्लीट 690 से ज्यादा क्वेश्चन ईवीएस के हैं, जो अलग अलग एग्जामों में समय समय पर पूछे जाते रहे हैं। उसी तरीके से ईवीएस के हैंड रिटन नोट्स हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, और उसी के साथ साथ हर सब्जेक्ट की पैडागोजी, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ की हो, चाहे ईवीएस की हो, वो सारी मौजूद हैं। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और फटाफट डाउनलोड करके आज से ही शुरू हो जाइए अपने आप अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। जिनको यहाँ नहीं मिल रहा है वो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दें, वहां भी उनको सभी पीडीएफ भेज दिया जाएगा, वहां से आप बाय करके ले सकते हैं। दोस्तों बस इतना ही कहना है कि एग्जाम मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये भय है। अगर पोर्शन पोर्शन बांट कर अगर तैयारी करोगे और हर पोर्शन से इतने नंबर निकाल लोगे जितना हम दावा कर रहे हैं, तो कहीं भी डरने की बात नहीं है। अगर वो उस कहानी सुनाते थे ना स्कूलों में, अगर लकड़ी का गट्ठा तोड़ने के लिए हमें दिया जाता है तो हम उसको नहीं तोड़ पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमसे ताकतवर होता है। वैसे 150 नंबर का पेपर देख करके हमें बोलते हैं कि मुश्किल है, लेकिन अगर एक एक लकड़ी को दिया जाता है तो हम एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ देते हैं ना। तो वही तो यहाँ है, अगर एक एक पोर्शन को बांट करके आप ज्यादा से ज्यादा नंबर निकालोगे तो कब आपके 90 नंबर सोचे थे और आपके 100, 105, 110, 115 हो जाएंगे, आपको एहसास भी नहीं होगा। और हम तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो, जितना जल्दी आप लोगों के एग्जाम क्रैक हो, जितनी जल्दी आप लोगों के सपने साकार हो, हमें खुशी उसी में मिलेगी। तो दोस्तों जितना भी सहयोग, जहां से भी हमारा सहयोग रहेगा, चाहिएगा आपको, हम आपके साथ खड़े हैं। बेस्ट ऑफ लक।